क्या आपके पास 7,000 रुपये का नोट छुट्टा है? मुझे दे दो, मैं लगा कर दूंगा आपको यूरोप की नंबर वन कंट्री का वीज़ा, जहाँ पर ना तो आपको जॉब चाहिए ना कोई इंग्लिश टेस्ट चाहिए, जिसमें एज लिमिट तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये वीज़ा लगेगा आपका 6 मंथ का, और जिसमें क्वालिफिकेशन ज़ीरो है, जिसमें कोई भी आदमी कोई भी धर्म कोई भी जेंडर का जा सकता है। जी हाँ, ये है कंट्री पुर्तगाल, जो आपको चीख चीख कर बोले कि मेरे पास आओ, बगैर जॉब ऑफर के मैं आपको वीज़ा दूंगी, जिसका नाम है पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा। पर आपके लिए गवर्नमेंट फाइनल स्क्रीन पर दिखाया जा रहा, 2,71,000 की टिकट मैंने खर्ची है सिर्फ जाने के लग्जमबर्ग आपके लिए, और मैं रिक्रूट कर रहा हूँ 5 लोगों को जो मेरे साथ चलेंगे। एक लड़का तो वीज़ा के बिल्कुल नज़दीक है, 4 लोग प्लीज़ अप्लाई की, जो कमेंट करेगा वो चलेगा मेरे से लग्जमबर्ग एंड ऑफ दिस मंथ, इसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन, मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बैक दिल से स्वागत है। आज लेकर आपके लिए वर्ल्ड की नंबर वन कंट्री पुर्तगाल, जिसमें जाना सबका ड्रीम है, बिकॉज यहाँ पर पेपर इतने आसान से मिलते हैं कि आप आगे जा कैनेडा यूके जा सकते हैं, जिसको बोलते हैं पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा। इसको मैंने बहुत सिंपल 3 भाग में बांटा है। सबसे पहले कौन से फॉर्म है उस पर डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कस करें स्टेप टू पर डॉक्यूमेंट्स कौन से रेडी करें, एंड थर्ड हाउ टू अप्लाई। जो जॉब सीकर वीज़ा है उसके 3 फॉर्म होते हैं, और ये फॉर्म 3 फॉर्म है। इसके लिए आपके सामने ऐसे खुलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा में, इसको स्क्रॉल डाउन करोगे। जे मैंने बताया इसकी जो कॉस्ट है वो 70 यूरो है, जो रफली 7,000 रुपये के बराबर है, और इसमें आपको 3 तरह की चीज़ें फिल करनी है। सबसे पहले फॉर्म फिल करना है आपको, जो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका रिजल्ट 24 आवर्स में आ जाता है, वो है एप्लीकेशन फॉर ए वर्क सर्च वीज़ा, जिसको IEFP फॉर्म। नेम, फर्स्ट नेम, निक नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, आपकी वैलिडिटी, नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ईमेल, आप पिक करोगे 5 एरिया जहाँ पर आपने प्रीवियसली काम किया है, अगर नहीं भी किया है तो आप तब भी पिक कर सकते 5 एरिया जिसमें इंटरेस्ट, जैसे नर्सिस में हो गया, फार्मेसी हेल्थ में हो गया ना, वेटरिन हो गया, टीचर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, लेबर हो गया, जो भी शेफ, कुक, शेफ, किचन असिस्टेंट, किचन हेल्पर, मील प्रिपेयर, बेकरी, जो भी वेटर, वेटर्स, होटल रिसेप्शन, आप ऐसे 5 जॉब्स पिक करोगे। ड्राइवर हो तब भी ना, देखो ड्राइवर पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके पास आएगा इन विच यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब, उसमें चाहे आप आर्किटेक्टर हो, 3 हो उसके एरिया जहाँ आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद गाइस 3 एरिया सेलेक्ट कर लोगे, चाहे फैक्ट्री में करोगे, आपके एक्सपीरियंस की लैंग्वेज इंग्लिश आती है या कोई हिंदी आती है, और डिक्लेयर कर दोगे। और इसका ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, ये देगा आपको इनविटेशन कि अब आप लोग पुर्तगाल आ सकते हैं, आपको इनविटेशन मिला और अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते। फर्स्ट फॉर्म IEFP फॉर्म, सेकंड फॉर्म है पुलिस डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसे पुलिस आप पुर्तगाल में होता है फॉर्म छोटा सा, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि पुर्तगाल बोलोगे कि आप मेरा क्रेडिट कार्ड चेक कर सकते हैं। जो थर्ड फॉर्म है वो है नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि इस तरह दिखता है, इसको डी फॉर्म बोलते हैं। इसमें सर नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, आपका पासपोर्ट नंबर, कहाँ रह रहे हो, आपकी परफॉर्म जर्नी, और आपका एड्रेस, पुर्तगाल में एड्रेस, आप कितना पास, आपका पैसा है, क्रेडिट कार्ड, और आप ऐसे फॉर्म को डिक्लेयर कर दोगे और तीनों फॉर्म सबमिट करोगे, और इसका डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट करना शुरू कर दो। 3 फॉर्म फिल करने हैं, स्क्रीन पर दिखाया फॉर्म में डॉक्यूमेंट सबसे ऊपर आपका पासपोर्ट आएगा, जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपकी फोटोग्राफ आएगी, आपने भी शो करना है जो कोई बताता नहीं जो यूट्यूबर कि आप जितनी वेबसाइट पुर्तगाल की दिखाई, इन पर रजिस्टर करना है और इनके स्क्रीन शॉट की मैं रजिस्टर किया है, और डिलीवरी चार्ज अप्लाई करता। अगेन अगर आपको मेरी हेल्प लेनी, मेरी मात्र कॉस्ट 1,000 रुपया है, आपको दोनों नंबर दिख रहे 7214 पर ट्राई कीजिए और मेरे से बात की, मैं आपकी हेल्प करूँगा जॉब लगाने। और मैंने अभी कल एक लड़के एग्जाम्पल में फैक्ट्री की जॉब लाई, और इवन की साइट पर आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं जिन बच्चों को जॉब लग चुकी है, और इवन की यूके जैसी बड़ी कंट्री और अमेरिका में भी। तो गाइज आप 2 फोटोज हो गए, CV एंड कवर लेटर आप मुझसे बनवाएंगे, आप उसको अटैच कर दो, जो कि बहुत ही मेरा हाई फाई होता है, मेरे पास वो कीवर्ड्स है जो आपको इंटरव्यू देते हैं। फिर आपको मैम इंश्योरेंस लगानी है कि आप लोग इंश्योर और मेडिकल इंश्योरेंस, आपका राउंड ट्रिप, राउंड फ्लाइट टिकट, आपका पुलिस का सर्टिफिकेट, PCC लगेगा, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, आप कहाँ रह रहे हो, जो कि आप booking.com और agoda.com से ले सकते हैं। इसके अलावा प्रूफ ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेज, आपका पैसा कितना है, 705 यूरो एवरेज सैलरी है, अगर 3 महीने जा रहे हो तो आपको 2100 यूरो दिखाने पड़ेगी, रफली 2 लाख आपके अकाउंट में, और आपके तीनों फॉर्म सबमिट करने जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। इसके अलावा VFS ग्लोबल का लिंक दिखाया जाए, इसकी वेबसाइट पर जाना है, 70-80 यूरो फीस पे करनी है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और वहाँ से वीज़ा लेकर आपको आना है। अगर आपको जॉब ढूंढनी है गाइस, जॉब ढूंढने के लिए मैं आपको फिर बोलूँगा, आपको इन जितनी वेबसाइट दिखाई जा रही है उनके वेबसाइट पर जाना है, इवन कि आपको top 5 रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी दिखाई जा रही है, आपने उनके करियर पेज पर जाना है और वहाँ पर जॉब ढूंढनी है। और इवन कि मैं आपको जॉब डेमो दे रहा हूँ एक पुर्तगाल की वेबसाइट का, कोलैक पैकेजिंग में, जहाँ पर पैकेजर की बहुत डिमांड है, चाहे वो
इलेक्ट्रिशन है, जूनियर हेल्थ सेफ्टी है, अगर मान लेते मेरे पास इलेक्ट्रिशन है, आप इलेक्ट्रिशन वैसे क्लिक करना है और इसमें क्लिक करने के बाद फर्स्ट नेम, ईमेल नेम, एड्रेस डालकर आप अपना सीवी को लोड कर इलेक्ट्रिशन जो अप्लाई करना, जिसके लिए फ्रेशर उनको रिक्वायरमेंट है, जो कि पुर्तगाल की वेला दी चैम्बरा में है। इसके अलावा एक और जॉब कंपनी है जिगोपो है, जिगोपो में जाएंगे, कॉर्पोरेट में, प्रोडक्शन में कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, सेल्स में किस में करोगे, अगर आप प्रोडक्शन में क्लिक करो प्रोडक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे, अगर आप पिक पैकर हो है ना, वेयर हाउस मैनेजर हो, वेयर हाउस ऑपरेटिव हो है ना, सुपरवाइजर रिपोर्ट टेक्नीशियन हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने ऐसे क्लिक किया है जिसका नाम है लॉजिस्टिक असिस्टेंट, जिसको हम वेयर हाउस ऑपरेटिव बोल सकते हैं। आप ऐसे जाओगे इस पर और इसके आप ईमेल जो katrina@gorgia@jigpo.pt पर आप अपने अप्लाई कर सबमिट एप्लीकेशन कर दोगे और सेलेक्टेड कैंडिडेट को 15 दिन में वीज़ा मिल जाता है। तो ये तो दो जॉब डेमो दिए मैंने आपको, बड़ी बड़ी कंपनी में कैसे आप वेयर हाउस की जॉब और मैंने डेमो दिया किस तरह आप जो अप्लाई कर सकते इलेक्ट्रिशियन की। अगर कोई भी स्किल मैंने कवर नहीं की, आपको टॉप 10 होटल्स दिखाई दे रहे स्क्रीन पर, आप इनके करियर पे जा सकते हैं और इनमें अपना वेटर वेटर्स का अप्लाई कर सकते हैं। आपको टॉप 10 होटल्स के बाद आप टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी दिखाई जा रही, जहाँ स्क्रीन शॉट आपको दिखाई दे रही कंस्ट्रक्शन लेबर का, आपको जॉब टाइटल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जा रही है और 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी इनके करियर पे जा सकते हैं। और इवन कि आपको टॉप 10 सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी आप अप्लाई कर सकते हैं और टॉप 10 सुपरमार्केट दिखाई जा रही है, कैशियर की जॉब साइट स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, इधर क्लीनर की आप क्लीनर और सेल्स के कैशियर जॉब अप्लाई कर सकते हैं, और आपको टॉप 10 हॉस्पिटल दिखाई जा रही है जहाँ पर केयर टेकर की जॉब अप्लाई कर सकते हैं और केयर टेकर जॉब स्क्रीन बाहर में दिखाई जा रही है वहाँ पर जा सकते हैं। कैसे एक बार अगर आपको मेरी हेल्प लेनी, 1000 मेरी फीस है बात करने की, गाइडेंस लीजिए, अगर आप लग्जमबर्ग जाना है तो एक कमेंट करके अपनी फ्री एंट्री लीजिए, आपका रहना खाना पीना सारा खर्चा मेरी तरफ से होगा, ना मैं कोई वकील ना कोई एजेंट, यहाँ पर गरीबों की हेल्प करने के लिए लाखों लगाकर खुद विदेशों में जाता हूँ, बट ऑन द मेंटेनेंस आप चाह रहे सदा खुश रहें।